सीआरपीसी के कुछ इम्पोर्टेंट केस लॉ उसको देखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। ठीक है, फर्स्ट क्या है, द डायरेक्शन टू इंश्योर दैट पुलिस ऑफिसर्स डू नॉट अरेस्ट एक्यूट अननेसेसरली एंड मजिस्ट्रेट्स डू नॉट ऑथराइज डिटेंशन कैजुअली वेयर इशूड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द फॉलोइंग केस। ठीक है, तो किस केस में ये जजमेंट ये रूलिंग से आया था, तो ये है अर्नेश कुमार वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द प्रिंसिपल दैट अक्यूज्ड कैन नॉट एट द स्टेज ऑफ फ्रेमिंग चार्ज इनवोक सेक्शन 91 वाज लेट डाउन इन, तो किसमें ये लेट डाउन किया गया था, तो ये इसमें है स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेस देवेंद्र नाथ पुरी सतीश मेहरा। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा हो जाएगा, स्टेट ऑफ ओडिशा वर्सेज देवेंद्र नाथ पुरी। ठीक है, अब लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वॉज हेल्ड दैट प्रोविजन ऑफ चैप्टर 8 ऑफ सीआरपीसी बींग इन पब्लिक इंटरेस्ट आर नॉट वायलेटेबल आर्टिकल 19, कौन सा ये जो है आर्टिकल, किस केस में ये रूलिंग आया था कि जो भी चैप्टर 8 का जो प्रोविजन है, ठीक है, जो 144 वगैरह का है, 144 45 48 तक, तो उसमें कौन सा जो है ये किस केस में ये प्रोविजन जो है आर्टिकल 19 को इन्फ्रिंज नहीं करता है, तो ये केस जो है मधु लेमिया का केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है और बार बार आता है ये। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द मैरिड डॉटर विथ इंडिपेंडेंट सफिशियंट मीन्स ऑफ हर ऑन इज लाइबल टू मेंटेन हर फादर और मदर अंडर सेक्शन 120, तो अंडर 125 फादर और मदर के भी मेंटेनेंस का जो है प्रावधान किया गया है, प्रोविजन है उसका, तो यहाँ पर लड़कियों को भी ये दिया गया है कि अगर उनका उनके पास सफिशियंट मीन्स है और उनके फादर मदर अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो दे आर लाइबल टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर संदीप चौधरी वर्सेज राधा चौधरी, विजय मोहन राव, रेवती वर्सेज के, ठीक है, तो ये विजय मनोहर अरबत का एक केस है, विजय मनोहर अरबत वर्सेज काशी राव राजन सभा। ठीक है, अब फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इट वॉज हेल्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट दैट सेक्शन 125 सीआरपीसी वॉज एप्लीकेबल टू ऑल इंस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। ठीक है, ये एक सेकुलर प्रोविजन है जो किसी भी, पहले जैसे मुस्लिम लोग होते थे बच जाते थे अपना जो है तलाक वगैरह का है, जो उनका जो प्रोविजन है मेंटेनेंस का बहुत ही हल्का सा है, तो लेकिन इस केस में जो है इनको जो है डिसीजन दिया गया है, बहुत ही पॉपुलर केस है। ठीक है, जो हम लोग देखेंगे उन्होंने अहमद खान वर्सेज शाह बानो बेगम, ये एक लैंडमार्क जजमेंट है बहुत, ठीक है, इसको अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी पूछा जाना भी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया छठा है, ए मेयर प्ली ऑफ डिवोर्स वुड नॉट बी सफिशियंट टू मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 वाज लेड डाउन इन। ठीक है, तो ये कौन है, ए मेयर प्ली ऑफ डिवोर्स वुड नॉट बी सफिशियंट टू, ठीक है, सफिशियंट टू, यहाँ डिस इन टाइटल छूट गया, डिस इन टाइटल, ठीक है, मतलब कि मेंटेनेंस को मना नहीं किया जा सकता है प्ली ऑफ डिवोर्स के कारण कि हमने डिवोर्स दे दिया है, जो मुस्लिम्स वगैरह में खास करके होता है उनका जो मेहर वगैरह का रकम कुछ अदा वदा कर दिया, ठीक है, और कुछ दिन का इंटर पीरियड तक का जो होता है तो वो सब जो है उनमें अपना जो है कस्टमरी लॉज वगैरह है उनका मुस्लिम्स का, तो ये चूंकि सेकुलर प्रोविजन है तो इसलिए इसमें जो है ये नहीं किया गया है, तो ये फैसला जो है डेनियल लतीफी का आया है। ठीक है, डेनियल लतीफी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, तो ये भी एक लैंडमार्क जजमेंट है। ठीक है, नाउ सेवेंथ नंबर क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस सेक्शन 144 ऑफ द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर हैज बीन हेल्ड कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड बाय सुप्रीम कोर्ट, तो इसमें किसमें, ये भी पहले हम लोग देख चुके कॉन्स्टिट्यूशनल में मधु लेमिया का केस है। ठीक है, ये काफी अर्जेंसी का जब इशू है तो उसमें आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को कैसे आप चैलेंज कर सकते हैं, वो एक नीड ऑफ द आवर है इन पब्लिक, मतलब पब्लिक के बचाने के लिए, पब्लिक ऑर्डर ऑफ पब्लिक को मेंटेन करने के लिए, तो ये इस केस में फैसला दिया गया है। ठीक है, मधुली में बस एसडीएम मांगा है।
Now come to the question 8. Order under, ये same question है वही, under order under section 144 CRPC is unable, अच्छा ये unable to read jurisdiction के लिए है कि जो है 144 जो है वो रीड जुरिडिक्शन, उसमें अगर फंडामेंटल राइट का इंफ्रिंजमेंट होता है, कोई भी आर्बिट्ररी डिसीजन लिया जाता है एसडीएम वगैरह या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, तो ये अनएबल टू रीड जुरिडिक्शन है, आप अपने फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए वहां पर जा सकते हैं। तो ये कौन सा किस केस में ये दिया गया, तो दिवाकर ने गोपालाचार्य स्टेट ऑफ गुलाम, तो ये गुलाम अब्बास वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी में ये चीज दिया गया है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखिए नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज रिलेटेड टू सेक्शन 144 सीआरपीसी, ठीक है। तो ये इसमें से कौन सा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेज इज रिलेटेड टू सेक्शन 144 ऑफ सीआरपीसी, ठीक है। तो ये राम होता है स्टेट कर्नाटका, तो स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज, तो ये हो जाएगा इसे, ठीक है, स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेज समित तोगड़िया का ये केस है, ठीक है। देन इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एफआईआर वाज नॉट ए सबस्टांसिव एविडेंस एंड कुड ओनली बी यूज्ड टू कोरोबोरेट इट्स मेकर, ये कह रहा कि एफआईआर ही अपने आप में पूर्णतः जो है सबस्टांसिव एविडेंस नहीं, कि एफआईआर हो गया बस उसके बाद आगे कार्रवाई की कोई जरूरत नहीं, तो ये बस एक कोरोबोरेशन है कि हाँ एक कंप्लेन आया है और फलाने आदमी का कंप्लेन है, बस कोरोबोरेशन का ये है, यहाँ फलाने ने का ये कंप्लेन है, ठीक है। तो ये अनिल कुमार वर्सेज बी एस मिलकंता विवेता गजरा वर्सेज स्टेट यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेज एक बार सी मगेश वर्सेज स्टेट ऑफ, तो ये सी मगेश वर्सेज स्टेट ऑफ कर्नाटक का ये केस है कि वेयर ए कोरोबोरेशन है, जो एफआईआर लिखाया उसका, इसके अलावा ये कोई सब्सटेंसिव एविडेंस नहीं है जिस पर कि पूर्णतः रिलाई किया जाए। लैंडमार्क केस ऑफ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, देखिए बहुत ही पॉपुलर केस है ललिता कुमारी का, इसको आप ऐसे भी पूरा भी पढ़िएगा तो बहुत ही अच्छा है, इसमें आपको जानकारी मिल सकता है 156(3) वगैरह के बारे में भी, जो प्रावधान है कैसे इसमें केस लॉज हुआ और कैसे मना किया गया है, उसके क्या आउटकम है, ये ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ यूपी का काफी पॉपुलर केस है। 12 नंबर है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट ए पर्सन हैज राइट टू प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 161(2), ठीक है, 161(2) ऑफ सीआरपीसी अगेंस्ट द आंसर ऑफ व्हिच वुड हैव अ टेंडेंसी टू ए क्रिमिनल चार्ज, ठीक है। तो 161(2) में जो पूछताछ होती है पुलिस के द्वारा, तो उसमें जो है क्या है अगेंस्ट, क्या कह रहा है, फॉलोइंग केसेस इट वाज हेल्ड दैट पर्सन हैज अ राइट, उसके पास राइट है कि कोई भी ऐसा आंसर वो नहीं दे जो कि क्रिमिनेट करे, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 20 में भी हमारा है, ठीक है, सेल्फ इनक्रिमिनेशन का। नंदिनी सतपथी वर्सेज पीएल दानी ज्ञान सिंह आर्गन, तो ये नंदिनी सतपथी का ये केस है, नंदिनी सतपथी वर्सेज पीएल दानी, ठीक है। When the confession of the accused person not recorded in the manner, ठीक है, in the manner provided in section 164 of the CRPC, oral evidence of the magistrate is not admissible to prove that the confession was so made, ठीक है, कि अगर जो है when the confession of the accused person is not recorded, अगर record नहीं किया गया है confession, तो ये सिर्फ magistrate का oral admission की नहीं record हो गया है, तो इस तरह से ने कर दिया है कन्फेशन, तो वो माने नहीं होगा, एडमिसिबल नहीं होगा। तो ये किसमें है, स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज सिंघारा सिंह, स्टेट ऑफ राजस्थान, तो ये स्टेट ऑफ यूपी वर्सेज सिंघारा सिंह का ये केस है, ठीक है। But in which of the following case it was held that identity of victim is not to be disclosed even in judgment of द कोर्ट, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि जो रेप विक्टिम्स होते हैं सीड अटैक्स के होते हैं, तो कई बार सोशल जो स्टिग्मा के चलते जो है ये बताना उचित नहीं होता है, तो इसके संबंध में ये प्रावधान है। शशिकांत वर्सेज सीबीआई दिनेश, यहाँ दिनेश है, ठीक है, दिनेश वर्सेज स्टेट ऑफ राजस्थान, ठीक है, तो ये इस केस का ये फैसला है। Which one of the following is a case relating to anticipatory bail? ठीक है,
ये कौन से है? डीके गणेश बाबू वर्सेज पीटी उपरांत तामा वर्सेज दिनेश डालमिया वर्सेज सीबीआई डिंपल गुप्ता वर्सेज डीके गणेश बाबू का केस है। ठीक है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट लेड डाउन द प्रिंसिपल ऑफ ग्रांटिंग एंटीसिपेटरी बेल। ठीक है, तो ये है गुरबख्श सिंह। ठीक है, गुरबख्श सिंह का केस है ये। द बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन। दिस रूल इज लेड डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन इसमें जोगिंदर सिंह, प्रीतम सिंह, मोतीराम वर्सेस डिंकी। ये मोतीराम का केस है। ठीक है, द बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये बहुत ही अच्छा, बहुत ही लैंडमार्क ये जजमेंट है। बेल इज एक्सेप्शन, बेल पर आपको जो है ज्यादा फोकस करना है। एक्सेप्शनल केस में ही जेल का प्रावधान किया है, क्योंकि आप जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू लिबर्टी है, उसको आप इजली इतना इजली कर्टेल नहीं कर सकते हैं अंटिल एंड अनलेस की एक्सीजेंसी हो और कुछ ऐसा ग्राउंड हो जो कि बहुत ही ज्यादा एसेंशियल और इम्पोर्टेंट हो। द केस ऑफ दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया रिलेट्स टू। ठीक है, दीना वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया ये काफी इम्पोर्टेंट केस है ये भी, और इसको आप देखिए कि हैंगिंग एज ए मोड ऑफ एक्सिक्यूशन। ठीक है, इस पर विचार होना था कि कोई सुई हुई देकर के जो जैसे मारा जाता है कैपिटल पनिशमेंट वाले को, तो ये हैंगिंग होना चाहिए कि और कोई अदर तरीके होने चाहिए। तो इस केस में इसको जो है सबन ट्रांसलेट किया गया कि नहीं, ये जो है सही है हैंगिंग का जो मोड है। 19 में है, इन द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड टू अपलोड कॉपीज ऑफ एविडेंस। ठीक है, ये वेबसाइट पर देखिए, इसका रीजन ये है कि कई बार क्या होते हैं कि सरेप्टिशियसली सर्टेन जो है कार्रवाई होते रहती है और एक्यूज्ड को पता नहीं होता है, और सडनली जो है अरेस्ट का वारंट आ जाता है, अरेस्टिंग का हो जाता है, तो इससे एक्यूज्ड को कहीं ना कहीं अपने पक्ष रखने में सुविधा नहीं होती है। तो ये काफी मतलब बहुत ही सही प्रावधान है और ये होना भी चाहिए। और देखिए ये जो है इन्होंने इसका यूथ इस केस में यूथ बार एसोसिएशन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया में और 24 घंटे के अंदर की बात की कि जैसे ही लॉज हो विद इन 24 आवर्स यू हैव टू प्लेस इट ऑन इंटरनेट। तो ये चीज वेबसाइट पर आपको डालना है, जो भी पुलिस का वेबसाइट हो या कोई भी उस तरह का जो आपका है गवर्नमेंट का, तो वहां पर डालना है। ठीक है, अब 20 है, Which of the following cases is related to defective investigation? मतलब defective investigation में क्या होता है, कई बार क्या 99% cases में ये लोग गलत investigation करते हैं और अपने फायदे के लिए, और सारे 99% corrupt हैं इसमें पुलिस में, और गलत investigation करते हैं पैसे लेकर के। तो इसमें जो है defective investigation में अब ये इतना ऊंचा केस चला गया सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तभी तो ये बात आया प्रकाश, नहीं तो ये सारे केस ऐसे ही 90% दबा देते हैं लोग। तो ये जाहिरा हबीबुल्ला शेख वर्सेज स्टेट ऑफ गुजरात में ये जजमेंट आया था। ठीक है, तो ये सारे काफी इंपॉर्टेंट केसेज हैं सीआरपीसी के, इनको आप लोग जरूर एक बार देख करके जाइएगा। तो चांसेज है इसमें से कम एक दो केस जरूर आपको मिलेंगे आपको परीक्षा में। ठीक है।